एक ओर जहां विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर केंद्रीय मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां भी अब एक्शन मोड में आ गई हैं। राजधानी दिल्ली में सीबीआई के एक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग एक्शन मोड में है। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनका आवास है। तो वहीं राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर आयकर विभाग छापे मार रहा है। राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर पर आईटी की रेड जारी है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।